सोलन के कंडाघाट में बागवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र चौहान, प्रभारी कृषि विज्ञान केंद्र ने की। इस कार्यशाला में विशेष तौर पर प्रूनिंग पर किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर फल विज्ञान विभाग यशवंत सिंह परमार विश्वविद्यालय से नरेंद्र कुमार शर्मा ने किसानों को प्रूनिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस विषय शिविर में पलम, खुरमानी, आड़ू, कीवी, सेब एवं जापानी फल की कांट छांट के बारे में जानकारी भी दी गई। शिविर में जिला सोलन के अलावा जिला शिमला के 60 बागवानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। उन्होंने अपने जहन में चल रहे कई प्रश्नों को वैज्ञानिकों से भी पूछा और अपनी जिज्ञासा को शांत किया। नाम दीपक सिंह है, मैं प्लम ग्रोथ फोरम का फाउंडर मेंबर हूँ। आज का जो मेजर ऑब्जेक्टिव था, ये फार्मर्स जो प्लम ग्रोथ फार्मर्स हैं और बाकी फल भी लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के, जैसे कीवी और एप्पल भी हो गए हैं, तो इसकी एक ट्रेनिंग हमने कराई है बाय केवी के कंडा घाट। और जो एक्सपर्ट थे हमारे यहाँ वो डॉक्टर शर्मा हैं। ही इज़ एक्स डीन एंड हेड ऑफ फूड साइंस डिपार्टमेंट नॉन यूनिवर्सिटी। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोग्राम रहा एंड डॉक्टर जितेंद्र चौहान इज़ अ प्रिंसिपल साइंटिस्ट और इनके माध्यम से ये सारा प्रोग्राम रहा। और मेरे साथ अरुण सानी भी है, वो यहाँ के सोलन के इंचार्ज है प्लम ग्रोथ फोरम। तो इट वॉज एक्सट्रीमली गुड एंड एजुकेटिव टू ऑल द फार्मर्स एंड थैंक यू सो मच।